बैटरी चार्ज करने का बनाने वाले हैं, ठीक ना। तो आज हम इस पर काम करेंगे। 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है जो पुराना डेक बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक ना। नया भी लेना चाहे तो मिल जाएगा, और इसमें अब काम करना हम लोग चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डायोड। इसमें 2 वायर है, ठीक ना। जिस भी ट्रांसफार्मर में 2 वायर होता है उसमें 4 पीस ऐसे ऐसे डायोड 4 लगेंगे, जिसका आपको 5408 है, ठीक है। तो ये हम 4 पीस लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट इसमें करेंगे 4 पीस को, पहले देखते हैं। इसमें ये जो वाइट कलर का ये है दाग लगा हुआ है, हीरो बना हुआ, इसमें आपको प्लस होगा और ये बैक साइड वाला जो ब्लैक है वो माइनस होगा। तो एक साइड हम लोग माइनस माइनस को पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। ये लीजिए आपका माइनस माइनस सोल्डिंग हो गया। अब इसको हम लोग को इसका प्लस प्लस को सोल्डिंग करेंगे। ये देख लीजिए ये प्लस है इधर से, ठीक है। इसका इस पोर्शन में दोनों को टच कर देंगे, सोल्डिंग कर देते हैं। एक आपका इधर से माइनस हो गया और उसके बाद इधर से आपका प्लस आएगा। तो इसके लिए आपका ज्वाइंट हो गया, ये आपका माइनस पॉइंट हो गया, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। इसको वायर को हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर से 2 वायर आया है इसको हम एक साइड यहाँ पर डालेंगे और एक साइड इस जगह पर, दोनों के बीच वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इसको सोल्डिंग कर देते हैं। ये भी आपका हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेट करते हैं। इसको हम एक कार्टून पर पहले रख के अच्छा से बैठा देते हैं, ठीक ना, ताकि इसको कहीं सेट का प्लस हो। इसको हम इस डब्बा में सेट करेंगे, ठीक ना। इस डब्बा में मैंने काट दिया पहले से ही स्विच के लिए, लाइट के लिए, करेंट के लिए। कर दिए ताकि खिंचाए चाहे नहीं खिंचाए तो इसी में। इसमें आप ऑन ऑफ स्विच का यूज करते हैं। इसको ऐसे करके हम लोग इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये आपका ज्वाइंट हो गया। इसको हम लोग इधर से ले लिए। अब इसका वायर एक आपको इसमें चला जाएगा और एक इसमें चला जाएगा। ये एसी हो गया करंट के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अंदर कर लेते हैं ऑन ऑफ स्विच और इसमें डालते हैं। ये आपका इसका भी काम हो गया और इसको भी ले लेते हैं। जो ऑन ऑफ स्विच का वायर है एक तो और वो, इसको हम लोग एक मार देते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। डायरेक्ट तो इसमें से देख लेते हैं रेड कौन सा है। ग्रीन है, ये आपका रेड है। तो रेड को हम ये जो ऑन ऑफ है इसके बगल में लगा देते हैं। तो ऑन ऑफ इसको हम लगा देते हैं। इसलिए आपका ओके हो गया। इसमें अब हम चार्जिंग के लिए वायर लगा देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस में प्लस प्लस में, ठीक है। आप इस तरह इसको रख के सोल्डिंग कर दीजिए। प्लस पॉइंट सोल्ड कर देते हैं। चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह तैयार हो गया। इससे अब हम लोग डायरेक्ट बाइक का बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। ऑन किया, ऑन करके डायरेक्ट करेंगे। इसमें एक और नियम लगाएंगे। इसमें लगाएंगे क्या कि जब चार्ज करने का हमारा समय होगा तो सिर्फ चार्ज हो, और जब हम लाइट या कोई और चीज जलाएं तो उसके लिए अलग स्विच लगाएं, क्योंकि उस चीज के लिए हमें फिल्टर कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि चार्जिंग के समय हमें फिल्टर इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लाइट या कोई चीज जलाते हैं तो उसमें हमको फिल्टर कंडेंसर का जरूरत पड़ता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग अलग से इसको सेट करते हैं। तो सेट करने से पहले इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो पहले ऑन ऑफ को डाल लेते हैं, ऑन ऑफ का इसको भी हम लोग इसी में जोड़ देते हैं, ताकि ऑन हो तो चार्ज करते समय हमें पता चले कि हाँ हमारा सेट ऑन है। इसको हम माइनस को माइनस की तरफ डालेंगे और प्लस को प्लस की तरफ डालेंगे। चलिए इसको माइनस में डाल देते हैं। ये रहा माइनस पॉइंट, ऑन ऑफ सिस्टम ये हो गया और आपको सारा सेट हो गया। एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम तैयार है कि नहीं। ये हमारा आपस में सटे नहीं, इसके लिए ठीक है। इसको ऑन करते हैं, ये ऑन किया, उसके बाद यहाँ से ऑन किया। हाँ ये हमारा ओके हो गया। अब देखना हो हम लोग को कि कैसे चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग इस पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेप करेंगे। टेप करने से पहले इसमें हम लोग कंडेंसर का सिस्टम लगा दें। पहले एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे और ऑन ऑफ स्विच को पहले लगा लेते हैं इसमें। ये आपका ऑन ऑफ स्विच हो गया। क्या करेंगे हम कि इसको यहाँ से एक पोर्शन हमारा प्लस जा रहा है तो हम प्लस को ही ले लेते हैं। जो इसका रिटर्न है ये आपको चला जाएगा डायरेक्ट कंडेंसर में, और इसका जो कंडेंसर का माइनस है ये डायरेक्ट आपको माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट माइनस में डाल देते हैं सबसे पहले। तो इसको डायरेक्ट हम माइनस में डाल, माइनस इसका माइनस वाला माइनस में डाल दिया, और प्लस वाला जो स्विच से यहाँ से जो हम प्लस दिए हैं यहाँ से गया स्विच में, और स्विच से जो वापस आया इस प्लस को हम यहाँ पर डालेंगे। ये क्या करेगा कि प्लस इससे कनेक्ट रहेगा। तो प्लस कनेक्ट रहेगा जब हमको लाइट या कुछ जलाना रहेगा
तब इसका हम यूज करेंगे, और जब हम लोग को चार्ज करना रहेगा तो इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जिंग करते समय हम लोगों को कैपेसिटर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अगर लगा हुआ रहेगा तो यह हो सकता है कि ब्लास्ट कर जाए, तो इसीलिए हम इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि लाइट जलाते समय बिना फिल्टर कंडेंसर का लाइट जलेगा नहीं। वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के, जब बना लेंगे इसको सेटना तो उसमें हम दिखा देंगे आपको कि कैसे ये काम नहीं उतना अच्छा करता है, और इसको लगा देने से आपका काम परफेक्ट हो जाता है। ये डाल दिया, अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ऑन ऑफ। दुकान से कोई अच्छा सा डब्बा या बॉक्स, उसको परचेज करके उसी को यूज कीजिएगा, ना कि कागज का बॉक्स या कार्टून। ये मैं आपको बताना रहता है, इसके चलते मैं इस चीज का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। ये आपका इसी तरह से करके सब ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम जैसे नियम बताया गया वैसे। ये हमने अच्छा से सब तो जोड़ लिया, सबको अच्छा से टिप मार दिया। अब इसको क्या करते हैं, अच्छा से अंदर बैठा देते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अब हम क्या करते हैं, जो इसके साथ हमने कैपेसिटर दिया है ताकि लाइट उट जलाने में हम लोग को दिक्कत ना हो, डायरेक्ट हम लाइन से लाइट जला सके 12 वोल्ट से जितने भी हैं, इसके लिए हम इसमें एक लाइट लगा देते हैं ताकि जरूरत पड़े तो ये अगर बैटरी से कनेक्ट रहे तो भी जलते रहे, और ऐसे भी लाइन से भी ये अपना जब चाहें जला दें। ये हमारा स्विच जाएगा जो LED दिए हैं इस जगह से, इससे कनेक्ट करके जिसमें कैपेसिटर है उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये दोनों वायर है जो इससे आया है, ठीक है। इसको हम इसको प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे में झोले में देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो उपाय करिए। इसको ये कर लेंगे और जहां जहां स्विच है इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक ना। ये वायर यहां से हमने निकाल लिया जो समय निकाला था उधर से, और ये आपका इसको फिर इसमें हम लोग लाइट जोड़ते हैं। इसको प्लस को प्लस में जोड़ देते हैं और माइनस को माइनस में। तो इसको क्या करते हैं कि हम अंदर डाल देते हैं। ये हमने जोड़ दिया, जो वायर था इसको मैंने अंदर कर दिया। अब इसके ऊपर ये भी बन लगा के हम लोग इसको चिपका देते हैं। लाइट नहीं रहा ऐसा बना लिया तो आपका ये काम करेगा लाइट जलाने में, लाइन से भी चलेगा ये आपको, और बैटरी रहेगा तो आपको बैटरी से भी चलेगा, दोनों चीज में ये आपको काम करेगा। इसको हम लोग बीच में देख के चिपका देते हैं, ये सही है। चार्जर बॉक्स लाइट ओके, इसको ऑन करके देखते हैं। ये आपका ऑन है, ठीक ना। अभी मैंने ऑफ किया और उसके बाद ये आपका चार्जर का प्लस माइनस में प्लस में, इसका ये प्लस है, चार्ज होने लगा। जब आप चार्ज हो जाएगा तो ये आपको खुद शॉर्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा, कम से कम एक डेढ़ घंटा दो घंटा में आप चार्ज करके देख सकते हैं शॉर्ट करके कितना इसमें क्या है, कितना वोल्ट पर है। शॉर्ट करेगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। और इसमें ये और ये मैंने लगाया है इसके लिए, और इसके लिए मान लीजिए लाइन पावर नहीं रहता है तो आप इससे इस लाइट को जला सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए पावर नहीं है, लाइट ऑफ कर दिया, ये आपका डायरेक्ट इससे चल रहा है, ठीक ना। वायर मैंने निकाल दिया, आपका इससे चल रहा है क्योंकि आपका इसी से चार्ज हो रहा है, इंडिकेटिंग कर रहा है ये। और ये वाला आपको सीधे बैटरी से कनेक्ट है, इसको हम लाइट जलाएंगे तो आपका लाइट भी जल जाएगा। पावर कट भी हुआ तो हम इससे इसको जला सकते हैं, तो इसके लिए हम अपना ये जो हम लोग अंदर कंडेंसर लगाया कैपेसिटर, ये उसका कमाल है, वो अपने अंदर चार्ज रखता है, ऑफ करने के बाद भी इसमें वोल्टेज बता रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सब ये आपका ओके है एकदम, ठीक है।